फाइनली यहाँ पे मुझे बहुत सारे बबल रैप्स मिले हैं. आई एम सो हैप्पी. हेलो गाइज, व्हाट्स अप, आई एम सैमी एंड वेलकम टू माई ज़िला. वेल दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही फन एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. रिसेंटली मैंने फिर से शॉपिंग किया. वेल, हम सब बहुत बहुत शॉपिंग करते हैं. सो जस्ट लाइक दैट मैंने फिर से शॉपिंग किया, बट दिस टाइम आई बॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम पर्पल. सो लेट्स पर्पल इज ऑल्सो यू नो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेस जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स, बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर और अलग अलग ब्रांड्स के हर एक सामान मिलते हैं. सो इतने सारे सामान, ये आई एम अगेन एक्साइटेड. सो यू नो बॉक्सेस मैंने एक के ऊपर एक रखा था. सो इन दैट वे शुरू करते हैं. दिस इज ऑलरेडी ओपन. देखते हैं कि इसके अंदर सामान क्या है. ये जो प्रोडक्ट्स है ये मेरा रीबाई है, एज मैंने पहले भी ये प्रोडक्ट यूज़ किया है. सो दिस इज अ लॉरियल 24 इन्फिनिबल प्रो मैट फाउंडेशन एंड दिस इज अगेन द यू नो कंसीलर सेम. ओके, वन मोर थिंग जो मेरे को ध्यान में आया दोस्तों, टू माई सरप्राइज जिस दिन मैंने पर्पल पे जो भी प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया उसके 3 दिन के अंदर मेरे घर पे प्रोडक्ट का डिलीवरी हो चुकी है. कैन यू बिलीव इट, इन 3 डेज. एंड बिलीव कीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब जाए, ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट में जाए और जो भी प्रोडक्ट्स आपके पसंद का हो, एनी ब्रांड यू वांट, जाके एक बार शॉपिंग कीजिए एंड एक्सपीरियंस कीजिए. आई विल बी शेयरिंग द प्रोडक्ट लिंक्स ऑन द डिस्क्रिप्शन. सो इन केस इफ़ यू लाइक एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मैं आपको दिखाऊँ, तो आप लिंक में जाके क्लिक कीजिए और जल्दी से उसको शॉप कीजिए. ओके, सो ये दो तो मैंने कहा कि ये सेकेंड टाइम मेरा रीरो यूज़ है, बट ये वाला जो है ब्लू हेवन का लाइनर, तो ये आई लाइनर, पेन आई लाइनर, दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम. तो ये मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ और मैं इसलिए ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मैं हाई एंड ब्रांड्स के बहुत सारे लाइनर्स को यूज़ कर चुकी हूँ, बट इसका रिव्यूज़ बहुत बढ़िया है. एंड मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ दोस्तों, आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो यू नो कस्टमर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनका जो कमेंट्स है वो मैं पढ़ूँ, बिकॉज वो बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं. सो जनरली वो पढ़ के मुझे आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं. सो यू गाइज ऑल्सो शुड ऑलवेज डू दैट, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट. एक बार टेस्ट करना चाहूँगी. वाओ, इट्स अ ब्यूटिफुल यू नो स्केच पेन, बहुत सुंदर है. एंड आई रियली होप कि व्हेन आई अप्लाई ऑन माई आईज ये बहुत ज़्यादा सुंदर सा ब्लैक कलर लाए. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डब्बा. ओ ये, वेल ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ. ओके ऑलरेडी ये एक ही प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड इट इज़ टडा, कितना सुंदर है ना. आई लव द पैकेजिंग. ओके एंड ऑफकोर्स इट इज़ अ आई शैडो पैलेट. वेल ये आई शैडो पैलेट इज़ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन एंड इस पैलेट का नाम है रॉक्सी. आई लव द पैकेजिंग, बहुत 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 ज़्यादा प्रिटी है, वेरी प्रिटी. एंड इसका अंदर का कवर इज लाइक दिस, ब्यूटिफुल कलर. ये ग्लास है, आपको दिख रहा है, नाइस. और दोस्तों आई जस्ट कम क्लोजर टू शो यू दैट ये जो मैंने मेकअप किया है आज, आई हैव डन द आई मेकअप यूजिंग दिस पैलेट. मैं अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाई कि मैं वेट करूँ, इसको अनबॉक्स करूँ, उसके बाद इसको यूज़ करूँ. सो आई यूज्ड इट टुडे. दीज आर द कलर्स एंड यू कैन सी दैट आई हैव यूज्ड द पिंक एंड द स्काई ब्लू ऑन माई आईज. बहुत ही खूबसूरत पैलेट है. सो यू कैन सी माई फेस ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द पैलेट दैट आई बॉट एंड द कलर, द पिगमेंटेशन इज ब्यूटिफुल. और ऐसे भी मेकअप रेवोल्यूशन के जो आई पैलेट्स है या जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. सो इन केस यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई अ आई शेडो पैलेट और प्रोडक्ट्स विच इज़ गुड फॉर योर स्किन, विच इज़ हेल्दी एंड उसका जो कलर्स हो या पिगमेंटेशन हो भी बढ़िया हो, सो देन येस मेकअप रेवोल्यूशन इज़ वन ब्रांड दैट एवरीबडी
can buy. It's really not that expensive. It's like, you know, 1400-1500. So I think that is a standard price when it comes to a good makeup product, right? Hai ki nahi? Hai na? Oh, one more thing I forgot to say. फाइनली अगर आपने मेरा नायका हॉल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मैंने वहाँ पे कहा था कि आई मिस बबल रैप्स इन बट नायका में तो नहीं मिला बट फाइनली यहाँ पे मुझे बहुत सारे बबल रैप्स मिले हैं. आई एम सो हैप्पी. ओके एंड इन केस यू वांट टू सी माय नायका यू नो नायका हॉल जो मैंने किया है फ्यू वीडियोज बैक दैट लिंक ऑल्सो आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन और एल्स यू कैन क्लिक हियर. टिंग. ओके ये नेक्स्ट डब्बा में जाते हैं. ओके सो गाइज नाउ जब स्किन केयर की बात आए आई एम वेरी 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 कॉन्शियस और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा ही ब्रांड यूज़ करूँ जो मेरा ऑयली एंड यू नो सेंसिटिव स्किन के लिए सूटेबल हो जो मेरे स्किन को हार्म नहीं करे. एंड इफ़ इट इज़ अ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और इट्स अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देन आई वुड ऑलवेज लव टू यूज़ इट. सो पर्पल में आई फाउंड आउट दिस ब्रांड गुड वाइब्स. तो मैंने इसका एक सेट खरीदा है स्किन केयर का. दिस इज अ टोनर. ओके विच हैजल. नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है विच हैजल. ऐसा लग रहा है कि टोनर लगाने से कोई जादू टोना हो जाएगा. विच तो नहीं बनूंगी ना. विच हैजल लिखा हुआ है नहीं बनूंगी. बाय द वे आई जस्ट रियलाइज दैट क्या मैंने कहा आप सबको ये मेरा आज का मेकअप को रेट करने के लिए बिकॉज आई गाइस टोल्ड यू थोड़ी देर पहले कि मैंने यू नो ये रॉक्स की आई पैलेट से ये आई शेडो किया है. सो इफ़ यू गाइस रियली लाइक दिस मेकअप देन डू कमेंट मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टुडे इन द कमेंट बॉक्स दैट आप सबको ये मेकअप कैसा लग रहा है. डोंट हैव टू रेट इट बट जस्ट लाइक जस्ट कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है. वुड लव टू नो दैट. ओके सो लेट्स सी स्प्रे करते हैं. ओके इसका वैसे तो कोई फ्रूटी या बबली परफ्यूम नहीं है बट आई थिंक दैट्स गुड यू नो इफ इट्स अ ऑर्गेनिक एंड अ क्रुएल्टी प्रोडक्ट देन देर इज नो परफ्यूम एडेड टू इट. सो इट इज इट्स रियली गुड. या नाइस. ओके ये क्या है. ओह दिस इज 100% प्योर कोल्ड कंप्रेस्ड कोकोनट ऑयल. येस वेल मेरा हेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वीडियोज़ है अगर आप जाके देखेंगे मेरा एक प्ले लिस्ट है ऑन हेयर केयर उसमें जो आई हैव टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्ट्स आई यूज़ व्हेन इट कम्स टू हेयर केयर. तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया है कि जो कोकोनट ऑयल होता है मैं वही यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए एंड आई प्रेफर टू गो फॉर विच इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक एंड कंप्रेस्ड एंड 100% प्योर. सो गुड वाइब्स इज़ अगेन वन ब्रांड हु इज़ गिविंग दिस 100% कोकोनट ऑयल. सो आई वॉन्ट टू ट्राई इट आउट एंड लेट्स सी द स्मेल. Oh my God. Beautiful. Coconut oil का स्मेल इतना खूबसूरत नहीं हो सकता बट दिस स्मेल्स. ओह अच्छा वेल इसका फ्लिप कैप है बट मैंने पूरा ओपन किया. ओके नेवर माइंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये क्या है. पैकेजिंग है ना पूरा अंदर में जेल जैसा है. वेल व्हाट इज दिस व्हाट डू यू थिंक दिस इज. एंड दिस इज अ हाइड्रेटिंग फेस वॉश. यस एंड दिस इज रोजमेरी नाइस. और ये बिल्कुल जेल जैसा लग रहा है विच इज टोटली अमेजिंग. Okay, so this is it and this was the toner. This is the gel face wash that I bought. And एक चीज़ है कि दोस्तों the prices of this brand is like really really reasonable. I mean like अगर आप you know आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करें या ब्रांड्स की बात करें फॉर एन एग्जाम्पल कामा फॉर सेंशियल दे आर वेरी 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 अमेजिंग है ना. लेकिन अगर आप जैसे उनका प्राइस लेवल देखेंगे तो इट्स लाइक रियली एक्सपेंसिव. लाइक नॉट एवरीबडी वुड लव टू स्पेंड सो मच एवरी मंथ. सो वेन इट कम्स टू अ हेल्दी स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच इज़ रियली रियली गुड एंड सेफ बट एट अ रीजनेबल प्राइस then definitely I would say good vibes are a go for it. One more thing कि ये छोटा सा refreshing water lily shower gel is a gift. They are also giving away a lot of gifts if you are shopping, huh?
Oh wow, water lilies are beautiful to smell, and this has got a very very sundar sugandh. I don't know how it sounded. Ye khali ho gaya. Okay, this is khali. Moving on to the next one. Let's see what I have here. So this is the Purple Eye Spy High Tech Liquid Eyeliner. Let me see. उसके लिए है नहीं, बट येस दिस इज टू किल किल विथ योर आईज, यानी कि आई लाइनर लगाओ और किल करो. सो आई थिंक आई लव दिस एंटायर पैकेजिंग, बिकॉज जब हम लोग आई लाइनर अप्लाई करते हैं तो ये इसको पकड़ के अप्लाई करना इज गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग एंड वेरी स्मूथ. सो एक बार क्विकली इधर ट्राई कर लेते हैं. Nice. काफी डार्क कलर आया है ना. सो ये पर्पल का इन हाउस ब्रांड का है. सो यू गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो पर्पल ब्रांड के इन हाउस के हैं. सो दिस इज वन ऑफ इट, एंड इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूँगी. एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट एप्लीकेशन जितना इजी लग रहा है उतना है कि नहीं, दैट आई विल लेट यू नो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Oh, this is another small sample. Again, it's a papaya face wash, brightening face wash. ये जो face scrub है, I think yeah. This is a deep cleansing face wash, face scrub. Sorry. And lime and basil. And ये तो मैं definitely smell करना चाहती हूँ. How does it smell? Okay. लाइम एंड बेजल इमेजिन करके मेरे को वाह फील हो रहा है. लेट्स सी. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टेक्सचर. वेल राइट नाउ जो फेशियल स्क्रब मैं यूज कर रही हूँ दैट इज ऑफ बायोटिक. Yeah, and it's a walnut scrub that is also very 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 mild on the skin and bahut acche se exfoliate karta hai skin ko. And I really really hope ki ye bhi utna hi magical kaam kare mere skin ke upar. Okay, so moving on to the next product. Yay guys, you know what this is? ये मुझे फ्री मिला है. दिस इज अ फ्री प्रोडक्ट. दिस लिपस्टिक इज व्हाट आई गॉट फ्री, एंड गेटिंग अ लिपस्टिक फॉर अ गिफ्ट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी गर्ल्स, राइट? सो इट्स अ पिंक कलर. ओ गॉड, आई थिंक पर्पल को पता पहले से चल गया था कि सैमी को तो पिंक पसंद है. She loves pink. Like jitna bhi pink lipsticks ho jaye, still it's very come for her. So again I have another pink one, and that also a gift. Wow. Feels so good. Okay. Let's see. Amazing texture. Maine abhi bas haath mein apply kiya hai. It's creamy, it's soft, the pigmentation is great. I think I'm going to love using these, and ये तो मुझे दो गिफ्ट मिला है पर्पल की तरफ से. But I am going to definitely buy more of purple lipsticks. And let me tell you, this is a lip crayon matte, and the name is From Sugar to Spice. Yes, of course, this is Sugar to Spice. What is this? अच्छा, ये एक काजल था जो मैंने ऑर्डर किया था. This is again from the Purple in-house brand. है ना, वेरी नाइस. हाँ, दिस इज अ बॉडी लोशन, एंड दिस इज वॉट ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम पर्पल. यस, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इतने सारे सामान खरीदा, बट आई गॉट सो मेनी प्रोडक्ट्स फॉर फ्री जस्ट बिकॉज आई बिकेम अ एलीट मेंबर. दे आर गिविंग अवे अमेजिंग ऑफर्स. सो ऐसे भी आप जाइए, जाके चेकआउट कीजिए. आई विल डेफिनेटली से. सो दिस इज अ पीच बॉडी लोशन. Mm.
लग रहा है एक्चुअली पीच का जूस निकाल के लगा रहे हैं हाथ में. ठीक है, ऑल राइट. दोस्तों अभी तक तो यू नो मैंने बाकी सब का जो भी रिव्यूज़ था मैंने वो पढ़ा हुआ था एंड देन आई वांटेड टू ट्राई दिस, बट मैं इसको यूज़ करूँगी आपका गुड वाइब्स के साथ प्रोडक्ट्स को. एंड प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद हाउ डू आई फील, हाउ इट वर्कड ऑन माई स्किन, वो सब कुछ रिव्यू मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ. बट ऑब्वियसली आई विल गिव मी सम टाइम बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट आपके स्किन में इफेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो आई एम गोना यूज़ इट एंड आई एम डेफिनेटली लेट यू नो इन वन ऑफ माई वीडियोज दैट वॉट इज़ माई रिव्यू, वॉट इज़ माई फीलिंग, वॉट इज़ माई एक्सपीरियंस विद दिस ब्रांड गुड वाइब्स. एंड आई रियली होप आई गेट ऑल गुड वाइब्स. द बिग वन. ओके, सो दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर माई पर्सनल यूज, बट दिस प्रोडक्ट्स इज समथिंग. Actually, this brand is a brand that I really love to use. I use a lot of skincare and you know bath products of Mama Earth. So this entire package is for my mother-in-law. Recently, उनको थोड़ा सा hair fall का issue हो रहा है, तो मैंने सोचा कि Mama Earth का जो products है, वो मेरे skin पे तो बहुत अच्छे से काम करता है. So I thought that ये उनके लिए बहुत सही होगा. सो व्हाट आई हैव बॉट इज, जितना मुझे याद है कि आई हैव बॉट वन मास्क एंड वन एंटी हेयर फॉल किट. दिस इज अ आर्गन हेयर मास्क मामा अर्थ. सो दिस इज फॉर फिस फी एंड स्ट्रोंगर हेयर. एंड आई लव यूजिंग मास्क. आई यूज कंडीशनर एंड ऑल्सो आई लाइक एंड आई लव यूजिंग मास्क बिकॉज इट डज रियली ग्रेट to my hair. So I bought this mask for her, that is my mom-in-law, and also bought this anti-hair fall kit. You know the most funny thing is that like I had to wait for all the products to arrive together, right? And my mom-in-law already knows that I have done this shopping for her. She's so excited to use this that she's like, यार जल्दी से वीडियो बनाओ, जल्दी से वीडियो बनाओ, सो दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इट जितना जल्दी हो सके. सो फाइनली मैंने आज वीडियो बना लिया. सो दिस इज़ द एंटायर पैकेजिंग ऑफ एंटी हेयर फॉल किट. सो मैं उसको ओपन भी करती हूँ एंड दिस इज हाउ इट इज़ पैक्ड. दो इसको ओपन करने का हक तो सिर्फ मेरे मॉम-इन-लॉ को है, बट I take the privilege here. ये है no more tangle conditioner. ये है pro growth hair tonic. And this is the root restore hair oil. And the final one is happy head shampoo. तो दोस्तों यही था मेरा टोटल शॉपिंग एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया आप सबके साथ. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. सो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप सबके साथ मेरा मुलाकात होगी. बट टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, कीप ग्लोइंग, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड लाइक आई ऑलवेज से, स्टे ब्यूटीफुल. एंड वन मोर थिंग दैट इन केस अगर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है तो आपको उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. एंड मेरा लास्ट जो वीडियो है 10 मिनट्स मेकअप में, वहाँ पर भी जाके मेरा वीडियो देखिए एंड कमेंट योर ऑनेस्ट रिव्यू ऑन माई मेकअप एंड माइट बी यू आर द वन हु गेट्स द चांस टू विन द गिव अवे. सो टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून.